थ्री इडियट्स यानी रैंचो, फरहान, राजू, ये तीनों एक्टर्स हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए थे। आप लोग क्या सोच रहे हैं हम जानते हैं। जहां ये स्पोर्ट्स वाले आउटफिट पहने हुए दिखे थे। इस क्लिप को देखकर सारे फैंस ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भाई थ्री इडियट का सीक्वल यानी पार्ट टू अब हमें देखने को मिलने वाला है। भाई सारे शॉक हो गए थे कि आखिर ये शूट हुआ तो कब। यहां तक कि ओमी वेद यानी चतुर और वायरस यानी बोमन ईरानी, ये दोनों एक्टर्स भी अपने अपने वीडियोस में बोल रहे थे कि तुम लोग हमारे बिना कैसे पार्ट टू ला सकते हो, हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। तुम लोग वायरस के बिना थ्री इडियट्स के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। विदाउट मी, बमन, करीना, जावेद, मी। देखो भाई ये बाद में ये साबित हो गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तीनों एक्टर्स थ्री इडियट के सीक्वल का अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि ये एक ड्रीम इलेवन का एडवर्टाइजमेंट था। भाई जिन लोगों को ये एड देकर ये लगा कि थ्री इडियट का सीक्वल आने वाला है, उन लोगों को ये बता दे इसका पार्ट टू बनाना उतना भी आसान नहीं होगा। और जब से लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई है तब से आमिर खान भी एक्टिंग से छुट्टी ले रखे हैं।